समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जो आपके पास अगर है तो आप ही सारा धन्यवान हैं। जी हाँ, हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, और जानने की कोशिश करेंगे कि समय और धैर्य में कितना ज़्यादा शक्ति छिपा हुआ है। एक साधु था, वह रोज़ घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे वो सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से कहा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली में रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ, लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना, तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, लोग इसे धैर्य कहते हैं, जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना, याद रखना जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता रहा और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल वह एक दिन खुद के हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी बन पाता है। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो कोई भगवान के अवतार नहीं, असल में उन्होंने अपने पल पल समय को अपने आप को बनाने में लगाया है और इस काम को उन्होंने बड़े धैर्य से किया है, जिनके बल पर कोई भी बड़े से बड़े लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि समय और धैर्य दोनों कितना बहुमूल्य है? प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और हाँ, अगर आप भी धैर्य और समय को बहुमूल्य मानते हैं तो इससे आप क्या सीख मिलता है आपको, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि लोगों को इसके बारे में डिटेल से पता चल पाए। और हाँ, एक कोटेशन हम बड़े सोच की बड़े जादू जो बुक है उससे लिए थे। अगर आप भी इसी तरह का कोटेशन, इस तरह का बुक, इस तरह का मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप भी परचेज कर लें। चिप एंड बेस्ट में बहुत मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आए के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्ड क्लूज।